क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमें इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है tan थीटा अपॉन वन माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन वन माइनस tan थीटा। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर है अपॉन, फिर है वन माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर यहां पर है कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर है अपॉन, फिर है वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस और टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हमारा है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, और ऐसे ये हमारा है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर को हम एलसीएम मेथड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन के नीचे हम लगाएंगे वन, वन और साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब जब हम 1 से sin थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा sin थीटा, sin थीटा 1 जा हो जाएगा sin थीटा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। sin थीटा से sin थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos थीटा। तो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब हम नेक्स्ट टर्म में आते हैं। नेक्स्ट टर्म के न्यूमरेटर को हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे, वो है cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर अपॉन में है 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको हम एलसीएम मेथड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन के नीचे लगाएंगे वन, वन और कॉस थीटा का एलसीएम आएगा कॉस थीटा, वन से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा वन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा वन, वन से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया न्यूमरेटर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से, जो कि आएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहां पर भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इन टू। अब हम डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से इसको इनटू करेंगे तो ये आएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हम इस पहले टर्म पे आते हैं। तो जब हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन। अब हम डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्रोडक्ट विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। अब हम इस सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। पहले हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन। अब हम डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्रोडक्ट विद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्रोडक्ट विद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रोडक्ट विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्रोडक्ट विद cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप इन दो टर्म्स को ध्यान से देखिए। यहां पर है साइन थीटा माइनस cos थीटा और यहां पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा। हम इन दोनों टर्म्स को एक जैसा बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम cos थीटा माइनस साइन थीटा के ऑर्डर को चेंज करेंगे। यह है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम इसको बना लेंगे चेंज करके साइन थीटा माइनस cos थीटा।
पहले जो ये माइनस साइन थीटा है ऑर्डर चेंज करने पर ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और जो ये पहले कॉस थीटा है ऑर्डर चेंज करने पर ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ऐसा करने से यहां पर से एक माइनस कॉमन निकलेगा। माइनस जो कॉमन निकलेगा उसे प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रोडक्ट विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट टर्म को हमने यहां पर एज इट इज लिख लिया। अब जब हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो जो माइनस कॉमन निकलेगा इस प्लस के साथ में मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस बन जाएगा माइनस, और आगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम मेथड से इन दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा। साइन थीटा हमारे पास में है, साइन थीटा भी आएगा, कॉस थीटा हमारे पास में है, कॉस थीटा भी आएगा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह पर है तो हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी एलसीएम में लेंगे। अब हम इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा से जब हम साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाते हैं। अब हम इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस क्यूब थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्रोडक्ट विद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब थीटा माइनस बी क्यूब थीटा होता है ए माइनस बी प्रोडक्ट विद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्रोडक्ट विद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं और डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा प्रोडक्ट विद कॉस थीटा प्रोडक्ट विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हम इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक है, तब हमारा न्यूमिरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1। अब हमको पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, आगे प्लस 1 तो है ही है। अब यहां पर हमारा आंसर आ चुका है, हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर ये कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस में है तो इसके आगे प्लस लगा देंगे, फिर सेक थीटा को लिख लेंगे, फिर उसके बाद में कॉसेक थीटा को लिख लेंगे। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व हो गया और हमें राइट हैंड साइड ऑब्टेन हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे इक्वेशन का वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, इससे हमारा जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड।